आपने स्कूलों की बात की, स्कूल 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं उनके पेरेंट्स ने तो सीबीएसई को चिट्ठी तक लिखी है, क्या राज्यों के तौर पर, राज्य प्रशासन के तौर पर आप लोग भी सीबीएसई से कोई अपील करने वाले हैं, और स्टेट बोर्ड अपनी तरफ से कोई फैसला लेने की सोच रहा है इस बारे में कि परीक्षा स्थगित की जाए या ऑनलाइन कर दी जाए या कुछ हल निकाला जाए? देखिए, अभी हमने 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसके लिए निर्णय लिया है। 8वीं से ऊपर तक के जो स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा का है अथवा सीबीएसई है, वो अपने डिस्टेंसिंग रख के, दूरी रख करके, बाकी सारे जितने भी उसमें प्रावधान हमने बताए हैं उनका सबका ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि परीक्षा लेने वाली बात अभी तो ऐसी लेवल पर नहीं आई है कि बिल्कुल परीक्षाएं ना ली जाएं। हाँ, पढ़ाई के नाते हम जरूर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो डिस्टेंस जो एजुकेशन है उसके दोबारा से शुरू करने की बात है। बीच में एक बार उसमें थोड़ा कम कर दिया था, क्लासेज लगने लग गई थी, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन जरूर कराएंगे। जहां तक परीक्षा की बात है, वो डिस्टेंसिंग रखते हुए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बच्चे आते हैं और वो आकर के परीक्षा दे पाएंगे, ऐसा अभी तक तो उस प्रकार की योजना हमने नहीं बनाई है कि परीक्षाएं भी न ली जाए। परीक्षाएं ली जाए ऐसा एक विचार बना है। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव की बात कही थी, 3 से 4 दिन टीका उत्सव चले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की तरफ प्रेरित किया जाए और वैक्सीन दी जाए, तो आपके यहां टीका उत्सव कैसा चल रहा है और आपके पास लगाने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में हैं कि नहीं? हमारे यहाँ ये जो 4 दिन का टीका उत्सव का कार्यक्रम है ये शुरू हो चुका है और लगातार 15 तारीख तक हम 1,00,000 इंजेक्शन जो है इसके जो हमारे लगेंगे टीके, तो 1,00,000 से ज्यादा यानी 4 दिनों में लगभग 5,00,000 टीके लगाने की हमारी योजना है और पर्याप्त संख्या में पास स्टॉक है इंजेक्शन का, कोई उसमें कठिनाई नहीं आएगी और लगातार हमारी जो संख्या बढ़ रही है तो अभी तक 25,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है और लगातार इस जिस स्थिति से, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उतनी सप्लाई हमारे पास वैक्सीनेशन की आ रही है और उसका हम जितनी सप्लाई एश्योर्ड होती है उसका हम प्लानिंग पहले बना लेते हैं और प्लानिंग करके 24 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीनेशन का जैसे स्टॉक आता है उसको हम निश्चित स्थानों पर भेज देते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई न तो अभी कठिनाई आई है और न ही आने वाले समय में हमको लगता है कि कठिनाई आएगी। लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। महाराष्ट्र ने जब ये झंडा उठाया सबसे पहले कि टीके नहीं हैं, तो बाकी कांग्रेस शासित राज्य भी कह रहे हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है इनकी वहां तो टीके हैं, हमको नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है, वाकई भेदभाव हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भेदभाव हो रहा होगा, क्योंकि तो पहले से प्लान बना करके सबको बता दिया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि कितने इंजेक्शन आपको चाहिए, कितने इस प्रकार का जो टीकाकरण की व्यवस्था है उसकी क्वांटिटी जो है वो पहले से पूछ ली जाती है। मुझे इसमें कई कठिनाई अगर ध्यान में आ रही है तो जो बड़े राज्य हैं उनकी अपनी व्यवस्थाओं को उनको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हमने जितने भी हमारे पास वैक्सीनेशन के टीके आते हैं हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, इस ढंग से बनाई है कि वहां तुरंत पहुंच जाते हैं ताकि 4 दिन पहले का स्टॉक उनके पास भी उपलब्ध रहे। अगर कहीं बड़े क्षेत्र हैं, बड़े एरियाज हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उनका ठीक नहीं होता होगा तो निश्चित रूप से कठिनाई आती होगी। दूसरा वेस्टेज है, वेस्टेज का भी जहां तक विषय है बहुत से प्रांतों की वेस्टेज 6%, 8%, इवन 15% की वेस्टेज हुई है। ऐसे प्रांतों को वेस्टेज भी ना हो इसकी भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे प्रांत में वेस्टेज 1.25% तक ही रहती है, हमारी कोशिश है कि वेस्टेज 1% से भी कम हम लेकर के आए। तो इसलिए इन बातों पर अगर ध्यान करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो जितनी क्वांटिटी उन लोगों ने पहले से तय की हुई है वो सब क्वांटिटी एज पर एग्रीड प्लान सबको जाती है। उसमें कहीं भेदभाव नहीं बरता जाता कि इस प्रांत को ज्यादा करनी है, इस प्रांत को कम करनी है। जिस प्रांत की जैसी योजना है पहले से तय होती है वो सबको पहुंचती है। मनोहर जी, आम लोगों के मन में एक बड़ी भावना आ रही है कि हमारे लिए तो मास्क अनिवार्य किया गया है, चलती गाड़ी में भी अदालत ने कह दिया अगर कोई अकेला जा रहा है तो उसको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब कोई रैली करती हैं, कोई रोड शो करती हैं या कोई राजनीतिक कार्यक्रम करती हैं तो वहां ना नेता खुद मास्क लगाते हैं, ना उनके कार्यकर्ता मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। इन चीजों को लेके क्या राज्य सरकारें इस मौजूदा परिस्थिति में जब सेकेंड वेव इतनी घातक दिख रही है कुछ कदम उठाने की सोच रही है कि नहीं?
हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने तो राज्य सरकार के नाते से इन चीजों का पालन करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए म्यूनिसिपल बॉडीज हैं या हमारे पुलिस के लोग हैं या जिनके भी जिम्मे हमने लगाया है वो सख्ती से पालन करा रहे हैं। इवन चलान भी किए जा रहे हैं। चलान करने के बाद हम तो यहां तक करते हैं कि उसका 500 रुपए का चलान करते हैं, साथ में 5 मास्क उसको देते हैं साथ में कि भी ये खुद भी पहनो बाकी लोगों को पहनाओ। पुलिस भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम उन्होंने पुख्ता कर लिए हैं। हम बिना मास्क के इसका नहीं चलने देते, लोगों को सख्ती का पालन कराते हैं। अब कहीं कहीं लोगों ने ठान ही लिया कि हमें मास्क पहनना नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं होता। ये अपीलिंग एक फैक्टर है, तो हम अपील करते हैं, लोग उसका मान उसको मान रहे हैं, और जिनको नहीं मानना है वो बाद में जब पछताएंगे उनको ध्यान में आएगा कि मास्क जो है ये जरूरी पहनना चाहिए था। इसलिए हम तो मैं तो अभी भी अपना मास्क साथ लेकर के आया हूं, लेकिन चूंकि डिस्टेंसिंग मेरी दूर है, यहां से 3 गज दूर लोग बैठे हैं मेरे से, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा, वरना हमेशा लगातार मास्क पहनने का उपयोग हम सब लोग करते हैं, चाहे वह राजनीतिक नेता हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने ऑफिसर्स हैं वो हैं, या हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके सब पहनते हैं, जनता को भी संदेश देते हैं।